मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और ना ही सुरविन इतनी सुंदर हो गई है. वो क्या है ना कि मैं डेली कर करके थक गई थी, पक गई थी और आप सब की भी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सुरविन को मैंने अगवा कर लिया है. देखा आपसे मिलने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है. तो आपके साथ मेरा भी वेलकम टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, इंडियन कॉमेडी का सबसे बड़ा मंच जहां बची है अब सिर्फ चार जोड़ियां और चार जोड़ी को बनना है कॉमेडी का सुपरस्टार. लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पंच नाप तोल कर राइटिंग एक्टिंग टाइमिंग सबको जोड़कर मार्क्स देते हैं रोहित शेट्टी और अपने हर स्टूडेंट से करती है बहुत प्यार, हंसती है बेशुमार लेकिन नंबर देती है बड़ा सोच समझ के यार लाफ्टर के प्रिंसिपल अर्चना पूरन सिंह. कॉमेडी का ये महाविद्यालय अब बढ़ रहा है अपने फाइनल एग्जाम की तरफ और आज की परीक्षा का सब्जेक्ट है म्यूट स्पेशल. आज हर जोड़ी में एक पार्टनर रहेगा चुप, यानी कि आज हर जोड़ी को दिखानी होगी अपनी केमिस्ट्री. तो देखें आज कौन बोलता है और आज कौन चुप रहता है. आज सबको पता चल जाएगा कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतना कितना आसान है और कॉमेडी सर्कस का विनर बनना कितना मुश्किल. ब्लैक में बिना बोले रानी ने अवार्ड तो जीत लिया, अब देखते हैं बिना आवाज यहाँ क्या कर पाती है रानी. प्लीज वेलकम राजीव एज अमिताभ एंड सलोनी एज रानी. आंखें सपने नहीं देखती, मन सपने देखता है. मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं सपना देखती हूँ. मैं सपना देखती हूँ कॉमेडी सर्कस जीतने का. इसके लिए मुझे तो बोलकर ही सबको हंसाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले ने सबको सुरिंदर नहीं बनाया. जिसकी शक्ल पर जोक से बड़ा लाफ्टर है. रोहित जी हंसना मत वरना राइटर पेमेंट मांग लेगा. परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन ये तीन नियम है मेरे गुरुकुल के, इसीलिए मैंने गुरुकुल जाना ही छोड़ दिया. साला रोज कौन कौन अनुशासन पालता रहे. आए अरे मेरा पार्टनर कहाँ है बताओ. मैं तुम्हारा पार्टनर लेकिन ये चश्मा लगा के क्यों आयो. मैं तुमसे पूछा कि तुम चश्मा क्यों नहीं लगा गए. चुप बदतमीज, ये बात बोल के भी तो बता सकती थी. हाय मैं बोल नहीं सकता. हाय एक तो म्यूट पार्टनर राउंड ऊपर से मेरी हंसाने की मशीन बंद कर दी. हाय अगर तुम हंस नहीं सकती और बोल नहीं सकती हो तो लोगों को हंसाओगी कैसे. हाय जो लोग बोल सकते हैं वो कौन सा हंसाते हैं. चुप खबरदार जो पार्वती को बीच में लाई तो. हाय शुक्र करो मैं बीच में लाई हूं वरना उसका पार्टनर साइड में लगा के रखता है. हाँ, तुम्हें कॉमेडी सर्कस पैसे नहीं देता. हाँ फाइन ना ले फिनाले फिनाले. हाँ जीतना है जीतना है. हाँ मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा कॉमेडी सर्कस के फिनाले में लेकिन जीतना उसका तो मेरा अपना कोर्स चल रहा है. हमें क्या जीतने के लिए दाढ़ी रखनी पड़ेगी. दाढ़ी वाले को हंसाना पड़ेगा. तो फिर उस दाढ़ी वाले से पहले पूछ कर रखो भाई तू किस किस टाइम पे हंसता है. हम उस टाइम पे लाइन बोल देंगे भाई. अब रोहित जी ये मत बोल देना कि आप रात को हंसते हो. रात को मैं डबल बेड पे होता हूँ और आपको डबल चीजें पसंद नहीं है. मैंने तो सच आपके डर से डबल रोटी खानी छोड़ दी है. रोहित जी एक अंदर की बात बताइए, ये ऑप्टिमिस्टिक वालों ने आपको कॉमेडी शो बता के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था. कुछ और बताया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पूछा था कि कॉमेडी शो है. रोहित जी हंसिए मत वरना राइटर पेमेंट मांग लेगा. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कॉमेडी कैसे की जाती है. हाँ पहले खुद सीख के आओ. शट अप मुझे बताओ
के hey, सुन 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 के तुम क्या बनना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो बोलो। मैं रावण? नहीं नहीं, एक और रावण मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं। अरे हम लोग यहाँ बिना मनी के शो चला रहे हैं और वो मनी के साथ रावण नहीं चला पाए। हाय हाय, रावण के 10 सर होते हैं, 10 सर। तुम टी शर्ट कैसे पहनोगी? हाय कैरियर नीचे से पहन लूंगी। बदतमीज, ये बताओ कि तुम कैसी कॉमेडियन बनना चाहती हो? कॉमेडियन? मैं हाँ रोहित जी को देख के आंख मार रही हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ मैं सुदेश डैरी। नहीं 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 बेटा, उन्होंने खुद आजकल इंडियन आइडल के फॉर्म भरे हुए हैं, बताए। रोहित जी वहां भी जाके जिद कर रहे हैं कि अर्चना जी को जज बनाओ, देखता हूँ किसका बाप मुझे हराता है। हाँ, मैं कौन सा कॉमेडियन बेटा, कौन सा कॉमेडियन? हाँ कौन सा? हाँ कौन सा? कपिल। ये वही कॉमेडियन है ना जो हर चौथे एपिसोड में अपना पार्टनर बदल लेता है लेकिन पंच नहीं बदलता है, और जजेस को लगता है कि लड़का वेरिएशन दे रहा है। हाँ, सच बताऊं रोहित जी, ऐसे कॉमेडियन होते हैं जो जानबूझ के कमजोर पार्टनर लेते हैं ताकि अपने एक्ट में उसी की बेइज्जती करके खुद को टैलेंटेड साबित कर लें। हाँ, हाँ, लंबी लंबी लाइन ना बोलूं क्यों, एक्ट लंबा हो रहा है। शट अप, हम चार लाइनें ज्यादा बोलते हैं, एक्ट लंबा हो गया। और सुनील पाल उसका कुछ नहीं, जिसके एक्ट के दौरान रोहित जी अपना गोवा का 3 दिन का शेड्यूल निपटा के वापिस आ गए थे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से सड़े जोक में क्या डालो कि वो हिट हो जाए, समझे? कोई सड़ा सा जोक आता है बोलो बोलो। एक बार एक हाथी गड्ढे में गिर गया। बेटा कॉमेडी सर्कल में हंसाना है तो ये नहीं बोलो, भारती गड्ढे में गिर गई। आगे आगे, उसका पार्टनर हाथी कुछ नहीं कर पाया। बेटा जो पार्टनर कुछ ना कर पाए उसे पार्वती बोलो। बोलो, भारती गड्ढे में गिरी, पार्वती कुछ नहीं कर पाई। आगे आगे, चूहा आया। चूहा नहीं बेटा, जीतना है तो बोलो परेश आया। परेश 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 आया। आगे, परेश ने टांग गड्ढे में डाली। बेटा टांग जब भी यूज करनी है एंकर की करो, समझे? क्योंकि उसकी टांग जजेस भी एंजॉय करते हैं, समझी? परेश ने एंकर की टांग गड्ढे में डाली। आगे, भारती पकड़ के ऊपर आ गई। बेटा टांग इतनी अच्छी हो कोई भी पकड़ के ऊपर आएगा। हाय हाय हाय, क्या हुआ, जोक खत्म हो गया? बेटा ये 8 नंबर का जोक है, 8 नंबर का, इसको 10 नंबर का बनाना है तो मैं बताऊंगा क्या करना है। 10 नंबर का जोक बनाने के लिए इसमें बिना मतलब के सुरिंदर डालो। हाँ ऐसे ऐसे। अब अगर तुम्हें कॉमेडी सर्कस जीतना है तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं कर पाया आज तक। हाँ, एक्ट खत्म होने के बाद उसमें डांस डालो। डांस यानी के भारती परेश टांग, पार्वती सुरिंदर डांस। म्यूजिक, भारती परेश टांग, पार्वती म्यूजिक डांस, भारती परेश टांग, पार्वती म्यूजिक डांस। हाँ हाँ हाँ, ये आपसे कुछ कहना चाहती है, बोलो बोलो बेटा। क्या? आंखें सपने नहीं देखते, मन सपने देखता है। मेरा सपना है कि मुझे कॉमेडी सर्कस में 10-10 मार्क्स मिले। बेटा ये क्या था? ये ब्लैक कॉमेडी थी। थैंक यू। जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए। तो अर्चना कैसी लगी इनकी कॉमेडी? ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक नहीं थी, बहुत वाइट थी, बहुत अच्छी थी। राजीव आई लव्ड योर परफॉर्मेंस टुडे, फ्रॉम द लुक टू द एटीट्यूड टू द टाइमिंग was very very good. In totality very unique act, very nice and very well done. Thank you. Rohit? I agree with Archana ji ke Rajiv aapne bahut acha kiya, but Saloni ke performance ki baat karte hain. 5 ya 7 minute ka act hoga kareeban aur wo bachchi jhuki hui thi thodi character ko play karne ke liye and thoda sa usne apne aankhon ko twist kiya hua tha. डिफ़िकल्ट होता है ये करना, सारे एक्शंस को याद रखना, इट्स नॉट ईजी। तो आई लाइक योर परफॉर्मेंस राजीव, बट मुझे लगा कि आज सलोनी टुक द केक। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मिल गए, अब देखते हैं अच्छे अच्छे स्कोर्स मिलते हैं कि नहीं। थैंक यू। 9 पॉइंट्स। थैंक यू। 9 पॉइंट्स।
तो राजीव और सलोनी को मिलते हैं 18 पॉइंट्स। थैंक यू। काल बोले सो आज बोल, आज बोले सो अब। पल में टपक जाएगा तो फिर बोलेगा कब? एक घायल इंसान आ पहुंचा है अपनी अंतिम घड़ी पर और मरने से पहले अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन उसे कोई कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। देखते हैं बेचारा बोल पाता है या नहीं। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। एक मिनट सर जी। शेट्टी साहब म्यूट ये है कि पहले बात क्लियर हो जाए। बीमार तू है? देखो मेरे को व्हील चेयर पे बिठा के हॉस्पिटल के इसने सारे चक्कर लगा दिए। शुक्र है ये पेट्रोल से नहीं चलती। बैठो बैठो, ये तो 2 लाख का बिल बन जाना था। अब सोच रहे होंगे कि व्हील चेयर पे मैं क्यों बैठ के आया हूँ। इसको ना गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना तो एम्बुलेंस खुद चला के आया ये। किसी को गाड़ी चलाने का, किसी को तोड़ने का, अपना अपना प्यार होता है। घबराना बिल्कुल नहीं, पता क्या हौसला ही होता है सारा है? देखो हमारे डॉक्टर जो हैं बहुत समझदार हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब मर गए हो। शेट्टी साहब कोई बात करनी मैंने आपसे, मरीज आपका ही है, आप बड़ा प्यार करते इसे, लेकिन इसने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मरीज के सामने कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। अब ठीक है चलो। शेट्टी साहब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहते अब इसको दवा की नहीं दारू की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बस इसको ना, कहाँ गए यार सामान, बियर चढ़ानी पड़ेगी। क्या करें यार। अर्चना जी माफ करना, बी पॉजिटिव बियर मिल नहीं रही थी कहीं से, आपकी गाड़ी से लेके आए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं अब लेडीज वार्ड में भी जाना है। दोनों किडनियां फेल, पता बात क्या है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप रोक सकते हो कि आज एलिमिनेशन नहीं होगा। अरे बैठे बैठे बुड्ढा भी इधर ही है, आपका भी एक्सरे है मेरे पास, आधा किसी और का है आधा किसी और का है। दो खबरें हैं, एक खुशी की एक गमी की, पहले खुशी की सुनोगे या गमी की? चलो खुशी की सुन लो। 24 घंटे आप जी सकते हो। और अब दुख की खबर, 24 घंटे से मैं आपको ढूंढ रही हूं ये खबर सुनाने के लिए। आपको कुछ जरूरत है करना है? आ जाओ। मुंह उधर कर लो भी सर। Oh God! चलो अब आप कर लो। सेंटर में लाना।
डैडी आपको क्या हो गया? डैडी आप अभी तक मरे नहीं यार, कमाल है, हैं? क्या कर रहे हो आप? मैं सबको इनवाइट करके आया हूँ। हेलो, हाँ जी, खुल्लर साहब, डॉक्टर। हाँ जी, बस 15 मिनट में पापा का पैकअप है। अच्छा सर, वो आजकल किडनी का क्या रेट चल रहा है? हाँ, 3 बेचेंगे सर। सर, घर की किडनी है समझो आप। नहीं नहीं, वो 3 है। नहीं, वो एक जुड़वा है ना उसमें। एक तो बिल्कुल ठीक है, मैंने परसों निकाल के फ्रिज में रखी हुई है। ले, आप दूसरों की निकाल रहे हो, हम अपनों की नहीं निकाल सकते सर, है? दिल का क्या रेट है? मैं कहता हूँ पैसे बचाओगे, बहुत कंजूस दिल है पापा का। हाँ जी, है जी। नहीं नहीं, वो किसी काम का नहीं, दिमाग बहुत खर्च कर दिया इसने। दिमाग खराब हो गया। ठीक है जी, ओके सर। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो, पापा इधर आओ, इधर आओ, ऊपर बैठो बैठो। पापा आपने क्या किया ये? ये क्या किया आपने? वसीयत में आपके पास इतने पैसे, मेरे लिए सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख छोड़ा पापा आपने। एक जीरो और लगा दो प्लीज पापा। एक तो आप मरते नहीं हो टाइम पे, हैं? कोई टाइम पे काम नहीं किया आज तक। कोई टाइम पे काम कर देते तो आज मैं 3 साल बड़ा होता। मार दो, जीरो लगा दो प्लीज। ऊपर क्या देख रहे हो? मुझे पता है, मैंने ऐड देखी हुई, यार सोच रहे हो ऊपर से पानी गिरेगा, एक मिट जाएगा, कोई नहीं गिर रहा। मेरे को मैं ऊपर से पानी वाली टैंकी बंद करके आया हूँ। शेट्टी साहब, आज इतना मजा आ रहा है अकेले बोलते हुए, मैं बता नहीं, दिल करता है एंड ही ना करूँ। लेकिन आप इतना कहते तो कर देते हैं दी एंड। तो अर्चना, कैसे लगे आपको हमारे ये बुजुर्ग? आई फाउंड दिस एक्ट अगेन यूनिक, वंडरफुल एंड टचिंग ऑल्सो, एंड दिस इज रियल डार्क ह्यूमर। आई फेल्ट आई लव्ड योर एक्ट। रोहित, जैसे अर्चना जी ने कहा, ये ब्लैक कॉमेडी भी थी, ये स्लैपस्टिक भी थी, ये साइलेंट कॉमेडी भी थी, और इसमें ह्यूमर भी था, इसमें हर चीज़ थी। एक ही प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा से रहा है कि एंड अब्रप्ट था। देखते हैं स्कोर्स कितने मिलते हैं आपको। कुछ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो नहीं छोड़ते पीछा, और ये वाला आज नहीं छोड़ रहा। अर्चना ने दिए है आपको 9 पॉइंट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी भविष्यवाणी का जलवा दिखाने के बाद ऑक्टोपस बाबा आ गए हैं यहाँ। देखते हैं यहाँ किसका क्या भविष्य दिखाते हैं और किसकी कितनी बैंड बजाते हैं। वेलकम पार्वती एज ऑक्टोपस बाबा विद कपिल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल के सबसे चहेते हीरो जिनके सामने अर्जेंटीना, ब्राजील और सारे देश हार गए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली ऑक्टोपस बाबा। बाबा इसको ढक लो, अंदर से बेबी नजर आ रही है बाबा। ये ऑक्टोपस बाबा। बाबा, आप कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार में पहली बार आए हैं, तो सारी जोड़ियां जितनी भी हैं सही एक ही प्रश्न जानना चाहती हैं कि इनमें से फर्स्ट कौन आएगा, आप बताएं बाबा। बाबा, तुम्हारी मार्केट में इमेज अच्छी, क्यों खराब कर रहे हो? ये थोड़ी पूछा सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, ये पूछे सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। वीआईपी? दर्शकों से माफी चाहते हैं, लगता बाबा कॉमेडी सर्कस देखते नहीं। बाबा एक बात बताओ, फुटबॉल 5 साल में एक बार आता है, वो तुम देख लेते हो, ये हफ्ते में 2 बार आता है, ये नहीं दिखता? देखते हो? फिर अगर देखते हो तो बताओ फिर कौन आएगा फर्स्ट।
क्या बाबा कहने इसको छोड़ के कोई भी जीत सकता है। बाबा ये तो होगा ही, आप स्वयं जिसके साथ हैं वो जीत भी कैसे सकता है। बाबा बाबा एक बात बताइए, जजों को गोली मारो, दर्शकों को, जजों को खुश करते हैं, ऐसा सवाल पूछूंगा जज खुश हो जाएंगे देखना। ये बताओ कि गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? क्या बहुत बड़ी हिट, जोरदार तालियां। चलिए साहब इसका एक्ट में कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही पूछ लिया था हमने। पता क्या है, फिल्म वालों को आजकल टेंशन बड़ी होती है। कल मेरे को शाहरुख खान का फोन आया था, मेरे को पूछ रहा था आमिर खान की फिल्म फ्लॉप होगी कि नहीं होगी। अपनी टेंशन नहीं, उसकी ज्यादा टेंशन बड़ी है। खैर बाबा ये हमारे पास कुछ चिट्ठियां आई हैं। पहली जो चिट्ठी आई है ये आई है अपना असम से। पप्पू लाल जी पूछ रहे हैं कि उनकी बीवी कर्नाटका में है तो वो बाप कब बनेंगे। बाबा कह रहे हैं साले हमें चिट्ठियां मत भेज, अपनी बीवी को टिकट भेज, उसको उधर बुला, इसी साल बन जाएगा। चलो खैर ये दूसरी तीसरी चिट्ठी देख लेता हूँ, चिट्ठी नहीं ईमेल पढ़ते हैं, ये भी मंगाया, इसको भी यूज करें। ये जो ईमेल आई हमें ये आई है NDTV ऑफिस से, ये पूछ रहे हैं कि मतलब राखी और राहुल के बाद अगला स्वयंवर किसका होगा। बाबा कह रहे हैं जैसी राहुल की हरकतें अगला भी उसी का ही होगा। हाँ जी एक सेकेंड हो बाबा जी, पंजाब से लहरी जी की बीवी बिल्लो का फोन है, वो पूछ रही है पंजाब में लाइट जानी कब बंद होगी। लगता है बाबा खुद कंफ्यूज है। मैं बता देता हूँ पंजाब में लाइट जानी बंद नहीं हो सकती शेट्टी साहब, इतनी लाइट जाती है ना पंजाब में, इतनी लाइट जाती है। एक बार एक अंग्रेज पंजाब में आया पंजाबी सीखने, 6 महीने रहा, उसने 2 ही लाइनें सीखी, और तेरी नू लाइट आ गई और तेरी भैन नू फिर चली गई। वैसे आप लोग सवाल जवाब से तंग आ रहे होंगे, थोड़ा मोनोटोनस हो गया, हमने इस प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम भी रखा। बाबा जी हो जाइए शुरू, हो जाइए हवन। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉमेडी में नाच गाना कहां से आ गया, पूछो कृष्णा सुदेश से, जब ये नाच गाने के बीच में कॉमेडी करते तब तो कुछ नहीं कहते आप उनको। आपको मजा नहीं आया ना लगता है, आपको मजा लाता हूं अभी। बाबा बताओ गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? सुपर हिट, जोरदार तालियां। आप बताओ मजा आया कि नहीं आया? वैसे ना अच्छी बात होती है ना, उनको बार बार सुनने में मजा आता है। जैसे सुरवीन को जितनी बार मर्जी कह लो कि तुम्हारी टांगे बड़ी सुंदर है, हर बार ऐसे रिएक्ट करती जैसे पहली बार सुन रही है। क्या सुरवीन नहीं आई आज? साले इतने बड़े बाबा पहले नहीं बता सकते थे नहीं आ रही हो? वैसे तू भी इतना इतराम मत, 2 ही टांगे तेरे पास यहीं देख रही है। बाबा के पास 8 टांगे। बाबा मैं तो कहता हूँ 8 टांगे आपके पास, 8 हाथ हैं, आप बैंड का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं पकड़ लेते? 5 हाथों से इंस्ट्रूमेंट बजाओ, 2 हाथ ताली में जाने के लिए, 1 फिर भी बच जाता नाक में उंगली करने के लिए। अच्छा खैर बाबा एक सवाल बताएं, ये जो कॉमेडी सर्कस है ये कब तक चलेगा? एक सेकंड बाबा, हिंदी में बताएं, उर्दू नहीं आती। खुश मत हो, ये अच्छी कमेटी नहीं कह रहे, ये कह रहे कि साले जब तक ऐसे भुक्के ना के लोग फ्री में करते रहे शो चलता ही रहेगा। बाबा जी लगता है इनको मजा नहीं आ रहा, एक बार फिर मजा दिलाएं। इस बार बताओ गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? चुपर चुपर हिट, जोरदार तालियां। चेटी साहब जैसे जैसे एक्ट का एंड नजदीक आता जा रहा है ना, आपकी फिल्म हिट होती जा रही है। अगली चिट्ठी बाबा जी आई है जुम्मन मियां की, ये पूछ रहे हैं कि वाकई 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी। अच्छा अच्छा बाबा जी कह रहे हैं मुझे क्या पता 2012 में तबाह होगी कि नहीं, मैं तो खुद 2011 में यूएसए जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ 2012 में दुनिया तबाह नहीं हो सकती शेट्टी साहब, क्योंकि मैंने परसों ही वॉशिंग मशीन खरीदी है, उन्होंने मुझे वारंटी दी 2014 तक की। तो ये चिट्ठी आई है परेश की, वो पूछ रहे हैं कि वो बड़ा होके क्या बनेंगे।
बाबा जी कह रहे इससे बड़े नहीं हो सकते। बाबा जी सवाल अपने पास खत्म हो गए हैं, तो एक्ट के लास्ट में बड़ा सा पंच मारते हैं। गोलमाल थ्री हिट होगी कि नहीं होगी? शेट्टी साहब बाबा जी कह रहे हैं ये आप पे डिपेंड है, मतलब जितने नंबर देंगे उस हिसाब से। बताएं बाबा जी। ओह बाबा जी ने रेट कार्ड ही दिखा दिया, छह से फ्लॉप, सात से एवरेज, आठ से हिट, नौ से सुपर हिट, दस से सुपर डुपर हिट, पांच हमने लिखे नहीं क्योंकि हमें पता पांच आपके पास भी नहीं है। तो अर्चना आप ऑक्टोपस बाबा से कुछ पूछना चाहेंगी? जैसे जवाब ये दे रहे हैं और जो इंटरप्रिटेशन कपिल जी दे रहे हैं वो मैं नहीं पूछना चाहती, पता नहीं क्या जवाब मिलेगा मुझे वहाँ से। बहुत यूनिक एक्ट है कपिल, अगेन आपकी परफॉर्मेंस बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन जो हाईलाइट पंच है इसमें वही है जो इनकी फिल्म, और एंड में बहुत क्लेवरली आपने जो मांगे हैं मार्क्स, अब मैं देखना चाहूँगी कि रोहित कितने मार्क्स, रिमार्क्स क्या देते हैं और मार्क्स क्या देते हैं। मेरी तरफ से इट्स अ वेरी 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 एंटरटेनिंग एक्ट, वेरी वेल डन। तो रोहित आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद गोलमाल फ्लॉप हो जाती क्योंकि मैं पांच नंबर देता, लेकिन वो सुपर हिट होगी क्योंकि मैं आपको नौ मार्क दूंगा और डुपर तो मैं कर ही दूंगा उसको। तो ये पूरे एक्ट का श्रेय आपको जाता है कि जो एक्ट संभला है और जो सुपर डुपर हिट हुआ है वो आपके वजह से हुआ है, और कुछ थैंक यू। तो सुपर कमेंट्स के बाद डुपर स्कोर्स की बारी, स्कोर्स देखते हैं। मेरी तरफ से बहुत बधाई है। 9 points. मैंने पहले ही कह दिया कि सुपर हिट तो है, डुपर मैं कर दूंगा। मोबाइल कार टीवी और बीवी चाहे कितनी ही अच्छी हो, इंसान को हमेशा दूसरों का मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए पति परेश कर रहे हैं किसी और से चैटिंग, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी पत्नी की भी चैटिंग चालू है किसी और के साथ। अब कौन कर रहा है चैटिंग और कौन कर रहा है चीटिंग, देखते हैं। प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज परेश एंड भारती। हेलो हेलो, हाँ डार्लिंग, क्या आवाज नहीं आ रही? क्या नेटवर्क में आऊं? ओहो बाबा, मेरा खुद का नेटवर्क एरिया इतना ज्यादा है कि मैं नेटवर्क के बाहर जाती ही नहीं हूँ। हेलो, क्या आज म्यूट पार्टनर है? तुम्हारी लाइनें भी मुझे बोलनी पड़ेंगी? इसका मतलब आज हर लाइन पे लाफ्टर आएगा। अर्चना जी, अगर किसी अनदेखे अनजाने से चैटिंग हो तो आपके पेट में गुदगुदी होती होगी। अरे गुदगुदी तो मेरे भी होती होगी लेकिन मुझे फील नहीं होता। अरे नया लड़का फंसाऊंगी आज। क्या पासवर्ड था मेरा? रोहित का पंच। इतना स्लो है। एक लड़का ऑनलाइन हो, इससे बात करती हूँ। हाय हैंडसम, ब्यूटीफुल। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये म्यूट पार्टनर है कि ब्लाइंड पार्टनर। तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? सच तो ये है कि आज तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। क्यों? जब भी किसी से ये बात बोलती हूँ वो लड़का सच सुनकर भाग जाता है। वो कल परमीत से चैट कर रही थी। फिर क्या? परमीत ने कहा ये खेल मैं पहले भी खेल चुका हूँ और अर्चना मुझे फंसा चुकी है। आपकी शक्ल किस हीरोइन सी मिलती है। टुन डिलीट डिलीट कैटरीना कैफ जैसी। तुम किसके जैसे दिखते हो?
सलमान खान जैसे। लगता है मेरी तरह कोई बैठा हुआ है। तुम्हारी फिगर का साइज क्या है? 0 साइज। क्या हुआ, 0 गोल नहीं होता? बच्चे के स्कूल से फोन। हेलो, क्या आपने इसके पापा को फोन किया था, उसने काट दिया? हरामी किसी चुड़ैल से चैटिंग कर रहा होगा। क्या बच्चा फिर से फेल हो गया? बिल्कुल अपने बाप पे गया है, फाइनल में पहुंचने से पहले ही आउट हो जाता है। ओहो, ऑनलाइन ही हूँ बाबा, वो माँ का फोन आ गया था। मेरे लिए लड़का देखा है। जलाओगी अब? क्या करे, सुंदर लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। मैं कैसे मान लूं कि तुम खूबसूरत हो? पहले चेहरा तो दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं अपना फोटो भेजती हूँ, लेकिन तुम भी अपना फोटो भेजो। और ये मेरा फोटो गया। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि आज तक तुम्हें किसी लड़के ने आंख उठाकर देखा होगा। अपना फोटो भेजो। आपकी फोटो देखकर मुझे किसी की याद आ गई। सुरिंदर की? नहीं नहीं, किसी टैलेंटेड बंदे की। परेश की? अगर वो टैलेंटेड होता तो आज म्यूट होता। बताओ ना कौन है वो? अब इतने ज्यादा लोग हैं, किसका नाम लूं, मैं भूल जाती हूँ। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो सब कुछ भूल जाती हैं। नॉटी लग रहा है। तो फिर कर लो मुझसे शादी। तुमने ये सुना नहीं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए? लेकिन मैंने तो इतनी शादियों में लड्डू खाए हैं, मैं तो आज तक नहीं पछताई। मुझे शादियों का इतना एक्सपीरियंस कैसे है? क्यों नहीं, मैं शादीशुदा जो हूँ। ओह शिट, ये क्या लिख दिया मैंने? चलेगा, अब एक्ट बहुत हो गया, अब नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? क्या कमी है तुम्हारे पति में? गले पड़ा तबला है, अब बजाना ही पड़ेगा। ना ही तो उसमें रोहित जैसी किलर लुक है, और ना ही परमीत जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर। परमीत का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? अच्छा नहीं होता तो क्या अर्चना से शादी करता? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बताओ तुम इस टाइम कहाँ हो? यारी रोड के साइबर कैफे में। मैं भी वहीं पर हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मोटी भैंस है। मुझे भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक चूहे जैसा बच्चा बैठा हुआ है। तुम खड़ी होकर दिखाओ। ये क्या भैंस खड़ी हो गई? अच्छा अब जरा तुम खड़े होकर दिखाओ। अब खड़े भी हो जाओ। हो गया हूं, मुझे पता नहीं चल रहा, जरा हाथ हिलाकर बताओ। राव जरा है, लड़कियों से चैटिंग करते हो, मुझे चीट करते हो, हैं? शादी का लड्डू कड़वा होता है, हैं? बच्चा फेल हो गया फिर से, बदतमीज, मुझे धोखा दे रहे थे, चीटिंग करते थे, बदतमीज कहीं का। चीटिंग तो वैसे मैं भी कर रही थी, लेकिन मैंने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। थैंक यू। तो अर्चना,
क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉमेडी चैट के बारे में? दिस इज मोर लाइक अ सीन फ्रॉम अ फिल्म, और उस सीन में फिर जो डायरेक्टर है वो क्लोजअप ले सकता था, इसको स्पीड अप करके दिखा सकता था ताकि वो जो गैप्स ना दिखाई दें जो ऐसे एक्ट में होंगे ही. इन स्पाइट ऑफ दैट द एक्ट हेल्ड यू बिकॉज बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था ये. द वे इट वॉज एग्जीक्यूटेड इज अगेन यूनिक एंड ब्रिलियंट. वेरी वेल डन. रोहित आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी पहले जब शुरू हुआ तो मैंने सोचा ये क्या चल रहा है, बट ग्रेजुअली इवन आई हैड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेज है और चैटिंग है और वो गैप्स जो आप लोग दे रहे हैं वो चैट का दे रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे मार्क्स होंगे. तो अभी देखते हैं आपको कितने स्कोर्स मिलते हैं. 9 points. 8 points. तो परेश और भारती को मिलते हैं 17 points. जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए. हर जोड़ी में चाहे कोई चुप हो या दे रहा हो बोल बच्चन, लेकिन सबका मकसद एक ही है, इस जंग को जीतना. पर अब जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें जीतना नहीं है, छुपना है. दाऊद और ओसामा आए हैं वीरपन के जंगल में छुपने के लिए. प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉस. माय नेम इज वीरपन एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट. मैं इस जंगल का राजा है. मुझे किसी का खौफ नहीं है और मुझे किसी का डर नहीं है. मैं तो इस जंगल है. डरा तो क्यों रे? बल्ले. अरे नल्ला नल्ला बोला. क्या बोले रे? अरे नहीं बल्ले, मेरे को पहचानी? थोड़ा हिंट देगा? गैर मुल्कों की पुलिस मेरा पीछा करती. शाहरुख खान ऑटोग्राफ प्लीज. शाहरुख नहीं, मैं ओ सामा. माँ मरार चक्कर तो माँ नहीं बाबू ज्यादा लग रहे. And my name is Osama, I am a terrorist. Voila. तो इधर क्या करने को आए? इधर एक्चुअली मैंने थोड़ा डर गई है. मैं इधर छुपने को आई. हम अपने घर में छुपा लो. किधर छुपाओ? तुम्हारे इतना बड़ा लूंगी तो उसमें छुपा लो. तुम्हारे पहले से अंदर 3 आदमी है. हा? तो तेरे को क्या लगा मैं इधर अपने पैर पे खड़ा हूँ? ए घर मत, इधर. तूने मेरे को अपना गुरु बोला है इसलिए तेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा. काम कर तू है ना, उधर उधर जाके छुप जाना. ओके उधर कोने में. कोने में तुम आती? नहीं आती, तुम जाती. चल उधर जाके छुप जा. देन काम करना, मेरे अलावा उधर कोई भी आएगा तो उसको गोली मार देना. ओके डन. चल जा छुप जा. जल्दी है ना? मैं जल्दी आते तुम जाती. जब देखो ये पुलिस लोग पेट्रोल वेस्ट करते, फालतू में हेलीकॉप्टर लेके घूमता रहते. काम धंधा है नहीं, बस घूमते रहते. तुम कौन? पहचाना नहीं? ए अरे दीवानो मुझे पहचानो. ये ले 5 रुपए का और नाच. मुझे सारी दुनिया जानती है. अच्छा अच्छा तू राजू ठाकुर तो नहीं? क्यों, राजू ठाकुर को पूरी दुनिया जानती है. वैसे इसको जानता तो कोई नहीं है, इन ऐसे उसका गलत फैमिली है. वैसे माय नेम इज वीरपन, आई एम नॉट अ टेररिस्ट. माय नेम इज साउथ इब्राहिम एंड आई एम हाफ टेररिस्ट. हाफ फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? जाने दे. वैसे तू शक्ल से तो कुछ और ही लग रहे. अपन के यहाँ पे बहुत फैन है तो अपन भेष बदल के घूमता रहता है. इतना डर लगता है तो गुंडागिरी क्यों करते रहे? अपन किसी से नहीं डरता है, सारी दुनिया अपन से डरती है. अच्छा एक मिनट. अभी बोल. ये तो मैं जो ऐसे ही है. वैसे ये क्या चीज है? VK-48. AK-47 सुना था, VK-48 क्या चीज है? हाय वीरपन का 48, पिछले साल ये 47 था, एक साल में इसका उम्र बढ़ गया. क्या बात है, क्या बात है. बस उसकी खासियत क्या है? इसका खासियत ये कि इसमें निशाना नहीं लगाना पड़ता है, सीधा लेके जाने का
आदमी के कोपड़ी पे रखने का और गोली मार देने का। नहीं नहीं, तुम म्यूजिक बजाओ, तुम्हारे कोपड़ी नहीं उड़ेगी। वैसे गुरुजी, आप तो हथियार के मामले में मेरे भी गुरुजी हैं। आप मुझे अपना चेला बना लीजिए गुरुजी। उससे तुझे क्या मिलेगा रे? जब भी पुलिस का मुझे खतरा होगा, मैं आपके लुंगी में छुप जाएगा। हाय हाय हाय, कोई है? कोई 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 है? कोई लुंगी में है? कोई है? ए चुप रे, बोल क्या बोल रहे? एक तो पहले से अंदर हाउसफुल है, तेरे को किधर सेट करेगा? गुरुजी, मैंने आपको गुरुजी माना है, आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए गुरुजी। तेरे को खाना बनाने को आता है? मैं खाना बनाएगा। गुरु कौन है? तो बनाना तो पड़ेगा। गुरुजी, मुझे कोई कोई बड़ा काम दे दीजिए गुरुजी, कोई अच्छा, कोई बड़ा काम। बड़ा काम? ओके। कपड़ा धोने को आते हैं? गुरुजी, बड़ा काम मतलब एक्सटॉर्शन दे दीजिए, आप डकैती करा लीजिए, आप वो जो कहते हैं ना जी कि मर्डर करा लीजिए। मर्डर? आप मर्डर से याद आया, मलिका शरावत। चुप रे, काम कर। अच्छा, उधर पीछे जाना। अच्छा, उधर एक दाढ़ी वाला बाबा है। अच्छा, उसको गोली से उड़ा डालना। उड़ा देना। अगर तूने काम किया, मैं तेरे को अपने लुंगी में छुपाएगा। अब तो मैं जरूर करूंगा, आपके लुंगी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कौन है? काम हो गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैंने आज इधर दो टेररिस्ट को मारा है, आप इधर जंगल में लोगों को उसका डेड बॉडी लेने के लिए भेज दो। हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? माई नेम इज वीरप्पन, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो अर्चना, कैसी लगी इनकी कॉमेडी? मस्त के, आपने तो पहले भी यहाँ पर कमाल किया हुआ कॉमेडी सर्कस के स्टेज पर, आज फिर आपने वीरप्पन बन के, बोथ ऑफ यू वंडरफुल एक्ट। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप दोनों ने, ये स्पेशली आपके लिए स्माइलिंग जूजू, क्योंकि आपने एफर्ट तो की कॉमेडी करने की। जोरदार तालियां। आज हर जोड़ी में एक रहा खामोश, एक बोलता गया, लेकिन कल इन चारों में से किसी एक जोड़ी की बोलती हो जाएगी हमेशा के लिए बंद। आज के सारे स्कोर्स जुड़ेंगे कल के एपिसोड में, और कल हर जोड़ी को करना है एक बहुत मुश्किल काम। हर जोड़ी करेगी एक ऐसे एक्ट पर धमाल जिस पर दूसरी जोड़ी ऑलरेडी दिखा चुकी है अपना कमाल। तो कॉमेडी सर्कस के बेस्ट एक्ट्स को नए अंदाज में देखने के लिए मिलते हैं यहीं पर।